Hi friends, what's up? Today is 3rd February 2018. So we shall discuss about the Hindu news analysis. So आपको पता ही होगा कि मैं वीडियो टेलीग्राम पे यूपीएससी लाइव के नाम से चैनल है यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ. और इसके अलावा आप मेरा लेक्चर यहाँ पे भी देख सकते हैं. ISIPS चैलेंजर के नाम से फेसबुक पे पेज है, उस पर भी देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आपको पता ही, आप शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा क्या पैटर्न रहता है हमारा यहाँ पे डिस्कस करने का. कोट, एडिटोरियल, वोकैबुलरी, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूज एनालिसिस और द प्रीलिम के रिगार्डिंग जो इफेक्ट्स आए हों उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से हम पीवी से उठाते हैं इफेक्ट्स वगैरह, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस. तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कोट से. तो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत कीजिए, उसको क्रिएट करना हमारे लिए होता है. किसी भी चीज़ को हमें मतलब वेट नहीं करना होता. अगर हम किसी भी चीज़ का रेगुलरली वेट करते रहेंगे तो हमें भी पूरी लाइफ निकल जाए हमारी. तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं सोचना है कि आज होगा, कल होगा, कल मतलब कल के बारे में नहीं हमें सोचना है. हमें डेफिनेटली ये सोच के करना है कि आई विल डू इट, हमें कर देना है उसी के टाइम साथ के साथ. हमें ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ कल कर लेंगे, कल हमें मौका मिलेगा. कई लोग जैसे कहते हैं किस्मत में बिलीव करते रहते हैं. भाई लक भी क्या होता है, मतलब कहने की बात है. कहते थे कि लोगों ने तो हाथ की रेखाएं बदल दी थी, सो वाई यू कांट. तो इसीलिए मतलब वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ का, एंड डू वट यू वॉन्ट ओनली. तो इस ऐसे ही चलिए कि हमें जो भी करना है भाई करना है. ऐसे नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए हमने सोचा कि हमें SSC निकालना है, RBI का एग्ज़ाम निकालना है, UPSC, एनीथिंग. अभी थिंक जो भी करना है बस उसको कर डालिए, सोचिए मत, ज़्यादा वेट मत कीजिए. हमें मतलब एफर्ट मैटर करता है, थिंकिंग डज नॉट. थिंकिंग हाँ जनरेट कीजिए. एक बार आप में जनरेट आपके माइंड में आ गया कि भाई ये करना है, ये हम करके छोड़ेंगे, तो बस उसको कर डालो ना. फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये है वो है, दूसरों की बातों में आ जाना कि नहीं. किस्मत होने से एक नंबर पीछे हो जाता है. जैसे आप कई वीडियोज़ यहाँ पे देखते होंगे, भाई किस्मत है, हाथों की रेखाएं हैं, कई मतलब कई वीडियोज़ अपलोड होती हैं और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं. अगर हाथों की रेखाओं पे सारा होता तो एफर्ट करने वाला बंदा ही ना आगे पहुंचता. आज तक आप देख सकते होंगे कि कोई बंदा है, किसी ने कहा है कि हाथों के लिए गिरे, भाई मैं सोया हुआ था और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर गया. हर किसी ने आपको यही कहा होगा कि मतलब मैं पढ़ता था भाई, ये एफर्ट करता था, ऐसे एफर्ट करता था. हाँ, एफर्ट करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने जो किसी के इसका ये मतलब नहीं कि आप जो कोई बंदा सोच रहा हो उसने मतलब सोच ही रहा था भाई मैं तो किस्मत बदली और वहाँ से मेरा प्री भी निकल गया, मेरा ये वाला मेंस भी निकल गया. एनीवन, कोई भी एग्ज़ाम हो, इट डज़ नॉट मैटर. पर हर बंदे ने ये बताया होगा कि एफर्ट किया होगा उसने, डेफिनेटली तभी उसको गोल अचीव होगा. तो फ्रेंड्स, वेट नहीं करनी किसी भी चीज़ की, जो भी करना है उसको कर डालिए बस. सो वेट ना कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स. सो शुरू करते हैं आज से. तो कोर्ट के बारे में आज यही था. तो इसके अलावा शुरू करते हैं मैप से. तो हम ऑलरेडी यहाँ पे अफ्रीका में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सूडान के बारे में. तो आपको पता होगा कि सूडान की कैपिटल है जो खार्टूम है, तो सम डिफरेंट नेम. तो करेंसी इसमें जो सूडानीज पाउंड यूज़ होता है. तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर इसके हम साइड इसके भी साथ में देखें तो रेड सी लगता है. अगर हम इसके साथ में देखें तो बाउंड्रीज हैं वो 7 कंट्रीज़ की लगती हैं. तो अगर आप देखें यहाँ पे इजिप्ट की बाउंड्रीज के साथ लगती है, चार्ड की CAR, तो साउथ कोरिया, इथियोपिया और सोमालिया और एंटीरिया की बाउंड्री इसके साथ लगती है. तो इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है. कैपिटल मेन जी इसकी खार्टूम है और सूडानीज. तो अगर रेड सी से देखें तो सऊदी अरबिया भी टच करता है, उधर से सूडान भी टच करता है, इथियोपिया जो हमने डिस्कस किया है वो भी टच करता है. तो हमें पता होना चाहिए रेड सी से कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, ऐसा थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है कई बार. सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज से एडिटोरियल के पेज पर. यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है मेनली आ जाइए यहाँ पर. मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं अभी राजस्थान में, तो उसी के बारे में यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में कहा गया है. वाई इलेक्शंस होते हैं, जो वाई इलेक्शंस का रिजल्ट है यहाँ पे बताया हुआ कि जो वाई इलेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाई इलेक्शंस क्या होते हैं. वाई इलेक्शंस होते हैं जैसे कि मान लीजिए अभी कोई भी बंदा बीच में किसी की डेथ हो गई है या कोई बाहर निकाल दिया गया. जैसे आप देख सकते हैं अभी 20 मेंबर्स बाहर निकाल दिए गए थे दिल्ली से. तो उसके बारे में मेनली अगर सीट्स देखा जाए, जो सीट्स खाली हो जाती हैं, ब्लैंक हो जाती हैं, उसके लिए दोबारा इलेक्शन कंडक्ट होता है, उसी को बाई पोल्स इलेक्शन कहा जाता है. तो इसी के यहाँ पे इसी के बारे में डिस्कस किया गया है. तो यहाँ पे कांग्रेस जीती है, तो उसमें उससे मतलब काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट होता है दूसरी पार्टी को. तो वो आगे आने वाले 2019 में फिर आपको बताएगी यहाँ पे मतलब कांग्रेस जीती है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा. वो फिर मतलब आप अगर आप देखें तो यहाँ पे BJP काफ़ी स्टेट्स में है, तो BJP को तो कोई इतनी टेंशन नहीं. पर अगर हमें मतलब हम कोई भी देखें तो हमें किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, तो वी विल परफॉर्म वी शैल परफॉर्म बेस्ट. तो और उसके अलावा जो
यहाँ पे आर्टिकल है, ये न्यूक्लियर डील के बारे में, इंडिया और यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील है, इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली डिस्कस की ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर डील हमारी हुई थी ओबामा के टाइम में 2009 में कहा था उन्होंने कि न्यूक्लियर डील, पर अभी इसमें राइटर ने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ देने की कोशिश की है कि अभी न्यूक्लियर में ही नियम रह गए, मतलब हम लोग अभी देखा जाए तो हम लोग काफ़ी मतलब इस चीज़ में भी आ रहे हैं कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ज़्यादा यूज़ करने हैं एज कम्पेरिजन टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इसमें ट्रंप जी का भी व्यू दिया गया है, पहले ओबामा थे आपको पता होगा प्रेजिडेंट, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, और इसके अलावा ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बारे में कहा बताया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे भी इलेक्शंस होंगे त्रिपुरा नागालैंड इसमें। और अगर हम इस आर्टिकल के बारे में देखें, यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें आप देखो तो इसमें रोड में हेल्थ के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि हेल्थ के बारे में अभी बिल पास हुआ है तो उन्होंने काफ़ी फोकस देने के लिए किया कि हेल्थ के बारे में, तो मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम, तो 10,000 करोड़ इन्होंने मतलब कहा है कि इन्होंने पहले बताया था कि पहले भी मतलब 5 लाख, जो अभी तो हुआ कि 5 लाख पर फैमिली को दिए जाएंगे, और इसमें ये भी कहा गया कि 10,000 करोड़। फिर लास्ट ईयर जब बजट पास हुआ था तब भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे 3,200 जो करोड़ थे वो इम्प्लीमेंट, इतने पैसे इम्प्लीमेंट किए गए थे, और अभी कहा जा रहा है हर किसी को 5 लाख दिया जाएगा, मतलब 10 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को, तो ऐसा कुछ ऐसा इसमें कहा गया इस आर्टिकल में उसी के बारे में। तो ये बजट के बारे में पहले भी आर्टिकल काफ़ी डिस्कस हो चुका है, सो इसमें यही उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि हाँ कोई भी है मतलब हेल्थ के बारे में इतना सोचा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे हेल्थ पे का हेल्थ का काफ़ी इफेक्ट होता है फुल लाइफ पे हमारा, अगर हमारी हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हमारी हेल्थ ही फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी रहनी चाहिए। सो ऐसी इसमें यही कहा गया कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम डेफिनेटली ये कोई भी चीज़ किसी भी काम को मतलब ढंग से कर पाएंगे। और अगर आप इंडिया के बारे में देखें तो हमारे इंडिया के बारे में देखें तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो अगर आप देखो तो काफ़ी जनरेशन यंग जनरेशन है एज़ कम्पेरिजन टू चाइना में, जैसे देखिए आप ओल्ड जनरेशन है फिर भी काम कर रही है। तो और यहाँ पे कई और भी चीज़ें को हम इंटरलिंक कर सकते हैं, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, हमें इसका अगर हम न्यूक्लियर डील से कोरिलेट करें इसको तो हमें मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जैसे 100 गीगावाट का भी पीछे प्रोजेक्ट था, फिर वहाँ से हमें सॉरी, तो उसमें देखा जाए कि हमें कई चीज़ें मतलब हमें रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, हमें वहाँ हमें एनर्जी विंड एनर्जी प्रोवाइड करवानी चाहिए, सन एनर्जी, तो ऐसे कई चीज़ें इसमें मतलब हमारे कोरिलेट होती हैं। और जैसे ये आर्टिकल है इसमें अगर देखा जाए तो मेनली त्रिपुरा नागालैंड के बारे में डिस्कस किया गया है, हमें पहले तो यही पता होना कि चाहिए कि त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय के बारे में है कहाँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने मैप में शो यहाँ पे शो भी हो रहा है, तो ये त्रिपुरा है ये मेघालय है, और इसके त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड के बारे में आपको हमें बताना चाहिए कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा की बाउंड्री किससे, मिजोरम से टच करती है और असम से टच करती है, मेघालय की बाउंड्री असम से टच करती है हमारी, तो इसके अलावा नागालैंड की बाउंड्री हमारी असम से टच करती है और अरुणाचल प्रदेश से टच करती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी कहीं पे भी मतलब बीजेपी की पार्टी नहीं है, अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं और नागा पीपल की कोई नागालैंड में कोई नागा ही अपनी मतलब पार्टी बनाए रखे हुए हैं, जहाँ पे मैक्सिमम पीपल चाइनीज़ के बॉर्डर टाइप के हैं वहाँ के पीपल, तो ये मतलब अलग अलग अपना डिमांड्स रखते हैं नागालैंड मत नागा के लिए, तो उसमें जो एक इवन कांग्रेस पार्टी INC मेघालय में है पर बीजेपी यहाँ पे क्यों नहीं, अगर बीजेपी यहाँ पे मतलब ज़्यादा सीट्स मतलब ले लेती है तो बीजेपी के लिए भी एक प्लस पॉइंट रहेगा, इसी के बारे में इसमें मेनली डिस्कस किया गया है। तो उसी के बारे में जैसे मोदी जी की पिका कब देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसमें मेनली यही देखा गया है कि इलेक्शंस होने वाले हैं तो मोदी जी यहाँ पे जाके प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब अगर वो स्ट्रांग हो जाते हैं तो उन्हें सेंटर सरकार के लिए और बेनिफिट होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखा जाए मेघालय में तो ऑलरेडी कांग्रेस है भी है, तो कांग्रेस का तो कहीं नाम है, अभी बीजेपी का कहीं नाम ही नहीं है, आप देखते हैं इलेक्शंस में क्या होता है। तो यही आर्टिकल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया यार, तो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर डील इज़ द ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और अगर आप देखें तो बाकी यहाँ पे तो बाई इलेक्शंस के बारे में बताया गया, बाई इलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए बाई इलेक्शंस के बारे में, और इसके अलावा ये भी इलेक्शंस के रिलेटेड ही आर्टिकल है।
तो आर्टिकल 1 बाय 1 ना नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आज आपको पता होगा कि सैटरडे या ग्राउंड जीरो आता है, पर यहाँ पे मेनली किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे हाइपर एंडेमिक ट्रैकोमा के बारे में कहा गया है। ये एक मतलब आइज़ में आइज़ के कारण प्रॉब्लम होती है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली मतलब निकोबार के बारे में, अंडेमान निकोबार के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे मतलब आइस चेकिंग हो रही है, तो अगर आप इसके बारे में, इसमें जैसे बताया गया तो ओल्ड भी हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स। यहाँ पे मतलब अगर आप, यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे इतनी दूर जाके मतलब डॉक्टर्स को भाई हेलीकॉप्टर मतलब पहुँचाया जा रहा है, फिर मतलब इतना एफर्ट कर रही है गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें देखो। और इसके अलावा ये भी अगर आप देखें ओवर टाइम में यही प्रॉब्लम मतलब हाइपर एंडेमिक ट्रेकोमा, इसी मतलब एक आइज की प्रॉब्लम होती है, इससे मतलब ब्लाइंड होने का भी खतरा होता है वैसे तो। पर अगर हम ओल्ड टाइम में देखें तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 1961 में, जैसे इसमें सारी डिटेल दी गई है, हमें मेनली बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। आइज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम है हाइपर एंडेमिक ट्रेकोमा, और उसके अलावा ब्लाइंडनेस का, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, बंदा ब्लाइंड भी हो सकता है। तो उसके रिलेटेड अगर आप देखें तो 1961 1971 के नियर अराउंड ये नॉर्थ में भी और मिड नॉर्थ में भी थी और सेंट्रल इंडिया में भी थी। अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो अगर देखा 1961 में 63% प्रॉब्लम ये पंजाब में थी, राजस्थान और यूपी में भी थी, और इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। तो हम बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बजट के बारे में आर्टिकल दिया गया। यहाँ पे नेशनल हेल्थ स्कीम है, तो इसमें 10 करोड़ पीपल्स को मतलब फैमिलीज को, अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, जो इन्होंने कहा है काफ़ी मतलब बजट इसके बारे में, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रखा गया है। ठीक है, हमें रखना चाहिए, हमें खुद भी प्रिकॉशंस हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें यही नहीं है कि मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें कोरिलेट करती हैं हमारी लाइफ से। हम अगर हम खुद भी प्रिकॉशन रखेंगे तो हम सेव होगा। आपने देखा होगा कि जैसे हम पहले नहीं मतलब यूज़ करते, कई चीज़ें नहीं लेते हम, हमें मतलब अच्छा खाना चाहिए, रिस्ट हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई बाद में मेडिसिन ले लेंगे, काफ़ी मतलब हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें मतलब 10 करोड़ इन्होंने कहा है कि पुअर पीपल्स और फैमिलीज को 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली दिया जाएगा, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंड है हेल्थ केयर के लिए। तो अरुण जेटली जी ने ये फंड दिखाया, अच्छी बात है अगर हमारे ये हेल्थ के बारे में मेनली सोच रहे हैं, क्योंकि हेल्थ विदाउट हेल्थ भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मेनली ये डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि ये एक मतलब का, ये सबसे बड़ा मतलब फंड कहा गया है। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे कई इंडिया के कई गोल हो सकते हैं, अगर आप देखें तो इसमें, इससे हमारे कई गोल को रिलेट होते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम मतलब और भी की चैलेंजेस मतलब फेस कर सकेंगे, अगर और भी गोल्स अचीव कर सकेंगे। अब अगर ठीक रहेगा तो इंडिया ग्रो भी करेगा। जैसे अगर आप देखा जाए तो अभी कहा जा रहा है कि इंडिया की काफ़ी पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी मतलब यंग पॉपुलेशन है, अगर यंग पॉपुलेशन को ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो आगे भी आने वाले टाइम में इंडिया क्या ग्रो कर पाएगा, इवन इन फ्यूचर तो पॉपुलेशन फिर चाइना की तरह, चाइना तो देखिए ओल्ड पॉपुलेशन भी वहाँ पे वर्क कर रही है, हमारे इंडिया में तो बंदा पहले ही एक बार हार मान के बैठ जाता था, तो अगर उसको हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो हार मान के बैठ जाएगा। तो हार नहीं माननी है, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर देखा, अगर इसमें ये और भी चीज़ें देखा जाएगी, अगर यूनियन बजट 2018 में देखा जाए तो और भी आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, तो इंडिया ने मतलब आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, जैसे इसमें कहा गया कि 2018-19 में 10 करोड़ फैमिलीज को मतलब 5 लाख रुपीज़ देना, अरुण जेटली जी ने कहा है। तो ये भी, ये एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, अगर इसका नाम याद रखें हम तो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, हमें मतलब नाम भी याद रखना चाहिए। हमें इसमें भी बात पूछा जा सकता है कौन सी हेल्थ स्कीम है, हेल्थ स्कीम कौन सी है जो इस बार इम्प्लीमेंट लॉन्च की गई है, मतलब बजट में पेश की गई है, तो हमें पता होना चाहिए ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम है। तो इसमें यही चीज़ें मेनली डिस्कस की गई हैं हेल्थ के लिए, इन्होंने मतलब और भी पेश बिल में और भी चीज़ें पास की हैं, पर हेल्थ के लिए इन्होंने मेन फोकस दिया, जैसे कि आर्टिकल आ जाया हुआ है, तो इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल अगर आप देखो तो नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पे दे सकते हैं इंडिया, और जैसा कि न्यूक्लियर डील के बारे में मेनली आर्टिकल डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, यहाँ पे दिस इज़ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अगर हम इसके बारे में न्यूक्लियर डील, इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील के बारे में डिस्कस किया गया था कि ओबामा जी के टाइम न्यूक्लियर डील के लिए 2009 में कहा गया था, जो कि मतलब कहा गया था कि उसके बारे में डील होगी, और उसके अंडर क्वेश्चन कंपनी हिताची और टोशिबा वेस्टिंग हाउस के, उन्होंने कहा था कि इसके अंडर वर्क होगा। 2015 में जो जीई हिताची थी उन्होंने तो प्लान किया था, पर उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था ओबामा
मोदी जी के द्वारा 2015 में जनवरी में ये हुआ था। अगर आप इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें देखें तो हमें मतलब जैसा कि आप धीरे धीरे न्यूक्लियर डील साइन हुई थी दोनों जी इटाची और दोनों ने डाक किया था मेंबर ऑफ हुआ था कि आज आप देख सकते हैं कि नियरली 1 डिकेड हो गया, नियरली 2018 आ गया है, और 2009 में कब डील हुई थी तो कितना टाइम लग गया धीरे धीरे। इवन आने वाले टाइम में तो हर चीज़ मतलब न्यूक्लियर डील कौन साइन करेगा, न्यूक्लियर डील को न्यूक्लियर एनर्जी को तो पीछे छोड़ा जाएगा, इवन कहा जाएगा कि अब न्यूक्लियर एनर्जी को तो इसके लिए पीछे छोड़ा जाएगा। और भी इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2000 जैसे कि इसमें कहा गया है कि ये डील 2018 के एंड तक हो जाएगी। अगर ये 2018 के एंड तक हो भी जाती है तो ये इसको 10 साल लग जाएंगे 2019 तक। कोई भी बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियर, अब तो अभी तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू न्यूक्लियर न्यूक्लियर डील्स के अलावा। तो मतलब कई चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि अगर आप देखा जाए इनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जी इटाची, इसने तो 2015 में किया था पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके अलावा टोशीबा वेंगटन हाउस की जो ये जो सेकेंड वेस्टिंग हाउस कंपनी है, इसमें ये इसकी खुद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि ये मतलब एज ए मतलब कंपनी मतलब बर्बाद हो गई थी, तो इसके कारण इसकी डील हो नहीं पाई अभी ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ओबामा जी भी नहीं रहे, काफ़ी चेंजिंग आई इसमें यूएस के लिए। और आपको पता है ट्रंप जी तो रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहने लग पड़ते हैं। तो अब यह कहा भी जा रहा है ट्रंप जी ने कहा, पर अगर आप इंडिया का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में देखें तो इंडिया इसमें जैसे बताया गया आर्टिकल में कि इंडिया के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में अगर आप देखें तो रशिया के बारे में, रशिया से इंडिया के अच्छे रिलेशन से काफ़ी डील्स इंडिया की रशिया के साथ होती थी एज कंपेरिजन टू यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। अभी अभी जैसे कि उल्टा कुछ चेंजिंग होती जा रही है कि जो रशिया है वो चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और उधर आप देखो तो इंडिया के मतलब यूएसए से रिलेशन अच्छे हो जाते हैं हो ही जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये 2018 के एंड में जो इसमें हो भी गई और यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अगर आप देखें तो इंडिया के बारे में देखें, अगर हम न्यूक्लियर डील चेंज क्यों हो रही है हो रही है तो अगर आप मई 2017 में देखें तो कैबिनेट ने मतलब 11 बिलियन इसके लिए अप्रूव किए थे कि अभी आप देखो तो यहाँ पे 7000 मेगावाट है जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो रही है। तो इंडिया ने प्लान किया है इसकी जगह हम और भी एनर्जी हैं यहाँ पे जनरेट करें। तो इंडिया का प्लान है कि अगर हम 14,600 मेगावाट एनर्जी हमें जनरेट करनी है तो यही न्यूक्लियर पावर अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसमें इसके अलावा और भी करंट कैपेसिटी है इंडिया की, वो इंडिया होप कर रहा है मतलब 14,600 के लिए। तो उन्होंने सोचा है कि 2024 तक अगर वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा लेगा, मतलब पर यहाँ पे आप देखो तो न्यूक्लियर डील के लिए हमारा टाइम कितना 2029 तक हो रहा है। और उधर से आप अगर देखो तो इंडिया मतलब अपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ाना चाहता है, आप देखिए वहाँ पे 100 गीगावाट वो सन एनर्जी से करना चाहता है, उसके अलावा आप देखो तो विंड एनर्जी से भी इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मतलब हर चीज़ में मतलब रिन्यूएबल चीज़ों पे आजकल ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कहीं पे भी। पर अगर आप यहाँ पे ट्रंप जी का कुछ इफेक्ट देखें तो उनको मतलब न्यूक्लियर ऐसा कुछ नहीं है उनके माइंड सेट में, वो कह रहे हैं उन्होंने तो आप देखे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उन्होंने तो उसके बारे में नहीं सोचा, तो इनका कहना कुछ और है। ट्रंप जी के टाइम कुछ और था। अगर 2016 की हम ग्लोबल विंड के बारे में देखें, 2016 के रिकॉर्ड से हम देखें तो इंडिया में अगर अगर हम ग्लोबल विंड पावर के बारे में देखें तो पावर आउटपुट है वो 16% ग्रो हो रही है, और सोलर एनर्जी जस्ट इंक्रीजेज बाय 1.4%, और इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है वो भी 30% ग्रो हो रही है। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एज कंपेरिजन टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा। तो इसमें मतलब और न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती हैं सेफ्टी के लिए, तो कई चीज़ें यहाँ पे देखा जा रहा है। तो इसमें मतलब अभी अगर आप देखो तो अभी थोड़े दिन बाद अभी भी डील है उनके साथ, प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है यहाँ पे फ्रेंच के प्रेसिडेंट के साथ, तो उनके साथ भी यहाँ पे डील हो सकती है कोई उसी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मेनली कहा गया है डिस्कस होने के लिए मार्च में, तो वहाँ पे भी देखते हैं अभी क्या आउटपुट आती है। तो यही इसके बारे में न्यूक्लियर डील के बारे में, मतलब इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक तो इतना टाइम लग गया कि इतना टाइम लग गया, उसके अलावा इन फ्यूचर में अगर आप सोचें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में
इन चीज़ों को सभी पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है इन फ्यूचर के लिए एज़ कंपेरिजन टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, मतलब एक सोच चेंज हो रही है इसके। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर डील है साइन कब की, मतलब 2000 में कोई भी चीज़ है, मतलब वो प्रोसीड होनी चाहिए जल्दी अगर हम सोचते ही रहें। इस चीज़ को हम इस चीज़ से भी कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आज कोट यही दिया था कि अगर हम सोचते ही रहें कि हमें करना है करना है एंड वी कांट डू, तो इसमें नहीं है, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, हमें मतलब कर देना है उस चीज़ को। ये नहीं है कि अभी एक डिकेड हो गया, हमने अभी तक साइन बात ही हुई थी आपस में, पिछले मतलब प्रेसिडेंट है जब उनकी बात हो गई है, जब वो चीज़ साइन हो चुकी है, तो हमें वो चीज़ को किसी भी चीज़ को है वो करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि नहीं और प्रेजिडेंट आ गए हैं तो वो अपना चल रहे हैं, ये तो फिर एक प्रकार की डिबेट होगी मतलब पार्टीज़ के बारे में, ये कंट्रीज़ के बारे में थोड़ी ना सोचा जा रहा है फिर कि नहीं भाई न्यूक्लियर डील 2009 से चल रहा है, कब ट्रंप थे उनके उनके ट्रंप जी थे उनके प्रेजिडेंट, अभी ट्रंप हैं जैसे उनके प्रेसिडेंट, तब ओबामा जी थे सॉरी, तो उसके बारे में उनका कहा, वो उस टाइम तो वो प्रेसिडेंट ही थे ना जो उन्होंने कहा है वो चीज़ उसी में। उसके अलावा इसमें और भी इशू आ गया कि जैसे टोशीबा कंपनी है वो रही नहीं, उसमें वो रही नहीं, वो खुद ही कर्जे में डूब गई, कई इश्यूज मतलब इससे निकल के आए, तो ये डील इतनी हो नहीं पाई। अगर अभी हो भी जाती है 2018 में तो आप देख सकते हैं कि एक डील के लिए 20 ईयर्स लग गए, विच इज़ वेरी पुअर। तो इसमें राइटर ने अपने व्यू दिए हैं, तो इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं, तो यूपी यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिनेश शर्मा जी हैं जिन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, अभी आपको पता है कि कहा गया है कि अभी 10th और प्लस टू के पेपर होंगे, तो उसी के बारे में इसमें फैक्ट कहा गया है वार ऑन चीट्स यूपी डिक्लेयर करेगी, तो उन्होंने इन्होंने यही कहा है। तो इसके बारे में यही कहा गया है, हमें चाहे स्पेशल टास्क फोर्स को लानी पड़े, चाहे लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों ना लानी पड़े, पर हम इसमें मतलब फेयर रखेंगे, मतलब अनफेयर नहीं होने देंगे। आपको बताया कि कई जगह पे अगर ऐसे पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब करप्शन है हर जगह, मतलब ढील दी जा रही है उस चीज़ को, हर बंदा करप्ट है, तो इन्होंने यही कहा है कि हम स्पेशल इसके बारे में चाहे कोई फोर्स लाई जाए पर एजुकेशन में चीटिंग नहीं हो पाएगी, ये इन्होंने कहा है इसके बारे में। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में कहा गया है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम, ये आपको पता होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, अगर ये पर आपको पता होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज़ डिफर फ्रॉम द नेशनल सॉरी फूड सिक्योरिटी मिशन से डिफर है, तो इसमें यहाँ पे मतलब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर के द्वारा मतलब एडमिनिस्टर किया जाता है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है तो अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे इसमें यही कहा गया है कि प्रोडक्शन करनी है राइस की, वीट की, शुगर की, मतलब इन्हांस करनी है, इंक्रीज करनी है, जैसे इन्होंने टारगेट्स रखे हैं कि प्रोडक्शन राइस की, वीट की और पल्सिस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, जैसे इन्होंने दैट इज़ दिया 10.84 मिलियन एंड समथिंग अगर कोरस सील्स की। तो अगर आप इसके बारे में और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में देखें तो इसमें फंड्स कहाँ कहाँ से आते हैं, तो 50-50% आते हैं सेंटर के लिए फॉर फूड क्रॉप से, अगर आप कैश क्रॉप्स के बारे में देखें तो 100% सेंटर फंडिंग फॉर द कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स के बारे में अगर फंडिंग देखें तो हमें उसी से सेंटर से मिलती है कैश क्रॉप्स के बारे में फंडिंग। और अगर आप यहाँ पे इसमें देखें कि फूड क्रॉप्स के बारे में तो यहाँ पे आपके 50-50 होता है, तो दोनों स्टेट्स एंड सेंटर गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे मैप हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मैप के बारे में डिस्कस किया था असम, मेघालय और नागालैंड के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो असम, मेघालय, नागालैंड हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, किसके साथ बाउंड्री लगती है, जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस भी किया है। और हमें पता होना चाहिए अगर आप इसके पास में देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गारो एंड खारी के बारे में पता होना चाहिए, तो हिमालयाज हैं इसके नियर अराउंड, तो मतलब इसी के बारे में, तो हमें मैप, इसीलिए मैं ओवरव्यू डेली के डेली शो करता हूँ ताकि हर किसी को मैप के बारे में पता रहे। तो एट द एंड मैं फिर यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे हमें मैप के बारे में ओवरव्यू रहे, कोई स्टेट कैपिटल सारा पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, अभी जहाँ पे इलेक्शन हुए जैसे राजस्थान में जीत के आई है हमें पता होना चाहिए वहाँ इलेक्शंस के बारे में, तो मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया इसमें के बारे में। एट द एंड मैं फिर ये कहूँगा फ्रेंड्स, द राइज अवे कैन नो स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड, सो महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है, मैं इसीलिए डालता हूँ क्योंकि आपने जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता होगा किसी भी चीज़ के बारे में तो इनका नाम बार बार आया करता था हम जब भी पढ़ते हैं, तो एंड आफ्टर दैट से वाटर एंड वाटर इज लाइफ। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा हो तो
मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो लिंक नीचे दे रखा है मैंने चैनल के लिए भी, ये लिंक है। उसके अलावा अगर हम किसी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आप में से कोई देख रहा है इस चीज़ को, आपको बेनिफिट मिला है, दूसरों को भी मिलना चाहिए, हर किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आज के टाइम में मतलब आप देख सकते हैं ना, कोई भी इतना लिख टाइम नहीं कंज टाइम कम कंज्यूम करके ज़्यादा हम देखना चाहते हैं। अगर हम शेयरिंग करें तो हमें ज़्यादा पता लगता है किसी भी चीज़ के बारे में। लेक्चर देख के आप लेक्चर देखेंगे, मैं किसी का लेक्चर देख रहा हूँ, आप किसी का लेक्चर देख रहे हैं, तो मतलब वही चीज़। अगर पूरा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना हो, 2 to 3 आवर्स मतलब पढ़ने के लिए लग रहे हैं, फिर उसके बाद वही लेक्चर हम 20-30 मिनट में हम कवर अप कर रहे हैं, तो एक की जगह हम 2 बार भी देख लें चाहे तो भी हमारा लेस टाइम कंज्यूम होता है। उसके अलावा अगर आपको अगर हम किसी से शेयर कर रहे हैं तो आपको जिससे भी शेयर करना है शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को बेनिफिट हो सके फ्रेंड। सो अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और अगर अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, सो दैट आई विल इम्प्रूव इन माई फ्यूचर। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हैव ए गुड डे, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।